डाल लेते इसके अंदर धनिया। तो मैं जो है इसमें फिलहाल जो है मायोनीस डालूंगी। ऑब्वियसली अहम थी मेरे लिए, पर अपने वीडियोस से पहले ज्यादा जो है मेरी अपने ज्यादा अहम थे। तो आज जुम्मे का दिन भी है, आप लोगों को सबसे पहले जो जुम्मा मुबारक। और अभी आपको जो है मैं गिफ्ट दिखा देती हूँ फाइनली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह पाक के कर्म से जो है हम भी ठीक हैं। तो अभी और सुबह का टाइम और हम लोग जो है अभी नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता हमारा बहुत लेट हो चुका है, 10:30 का टाइम है इस टाइम। और क्योंकि स्लिम जो है सुबह 7 बजे ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो उसके बाद जो है मैं सो जाती हूँ और बच्चे भी लेट उठते हैं, तो इसलिए जो है वो उठते हैं। उसके बाद उठने के बाद जो है हम लोग नाश्ता करते हैं। तो अभी काम काज जो है मैंने कुछ भी नहीं किया। मलाइका और रैन उठ गई हैं और उन्होंने सुबह से ज़िद लगाई हुई है, मम्मा आज जो सफाई मैं करूँगी कमरे की। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी जो मैंने चाय रख दी है किचन में, तो चलते हैं चाय को देखते हैं, चाय तैयार होगी होगी। तो बच्चों को पहले नाश्ता करवाते हैं, उसके बाद जो है बच्चे जो है अपने कमरे की सफाई करेंगे। चल मैं चलते हैं चाय जो देखें चाय हमारी तैयार हो। अंदर चलो हुरैन मलाइका, चलो मेरी बेटी चाय लेके आ रही हूँ। अभी जो है हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अभी मलाइका काम करेगी। और सबसे पहले जो ये नाश्ते वाले बर्तन उठाएंगे। चलो जी बर्तन उठा, मैं ये उठा के ले जाती। दस्तरखान जी आप उठाओगी जी। चलें जी मेरी बेटी जो है अभी दस्तरखान उठाएगी जी। माशाल्लाह मेरी बेटी चल रही है अभी। मेरी बेटी ने जो बर्तन रख दिए, बेड पे जो मट्टी होगी वो भी हट जाएगी। और आप बताओ भी ना आप क्या कर रही हो। मैं जी सफाई कर रही हूँ। सफाई कर रही हो मेरी बेटी जो है अभी कमरे से झाड़ू लगा रही है। बैठ के लगाओगी तो सही निकलेगा ना कचरा। जी कमरे की सफाई। और इनको जो है फैन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मलाइका कर रही थी कमरे की सफाई और फैन ऑफ किया हुआ था मैंने। मलाइका ने जो है सफाई सारे घर की कर ली है। तो अभी इसने जिद ये की थी कि मम्मा घर की सफाई मैं करूँगी, आपने मुझे मैक्रोनी बना के देनी है। तो मैंने कहा चलो इस बार में मैं भी खा लूँगी। जब से गुर्दे का मसला बना है तो मैं सारे वाली चीज़ें जो है मैं नहीं खा रही थी, तो आज दिल कर रहा है कि मैं खा लूँ। तो अभी बच्चों को बना के सबसे पहले मैक्रोनी देती हूँ। ये देखें मैक्रोनी जो है यहाँ पर मैंने गलने रख दिए, जैसे ये गल जाएगी। और यहाँ पे जो मसाला बन रहा है, तो मसाला जैसे तैयार होता है इसमें मैंने डाली चिकन और आलू। तो ये बच्चों के हिसाब से मैं बना रही, ज़्यादा जो मैं इसमें स्पाइसी नहीं कर रही, नॉर्मल रखूँगी कि बच्चे जो है खा लेंगे। ये देखिए इसमें जो है अभी मैंने डाल दिए लाल मिर्च और काली मिर्च थोड़ी सी डाली, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है काली मिर्च का। मैक्रोनी जो है मैंने ये देखें धो के जो इस टोकरी में निकाल लिए, और साथ ही साथ में जो मैंने धनिया भी काट के रख ली है। देखें डालते हैं मैक्रोनी। अच्छे से करते हैं इसको मिक्स। और फ्रिज में पड़ी है मायोनीस। ये देखें मायोनीस और टमाटर केचप जो है ये है। तो मैं जो है इसमें फिलहाल जो है मायोनीस डालूंगी। पहले डाल लेते हैं इसके अंदर धनिया और अब इसके अंदर डालते हैं मायोनीस। बस इतना सही डालते हैं और अभी इसे कर लेते हैं मिक्स। चूल्हा जो है मैंने ऑफ कर दी। ये देखिए मज़े मज़े की हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई है। चले अभी बच्चों को जो है मैक्रोनी डाल के देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी बच्चे जो अंदर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं बच्चों को जो है मैक्रोनी डाल के देते हैं। और मुझे भी लगी सख्त भूख, तो मैक्रोनी चल के अंदर खाते हैं। ज़्यादा स्पाइसी जो है मैंने नहीं रखी बच्चों की वजह से जो है, और बच्चे जो नॉर्मल से खाते हैं।
तो इस तरह जो है बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। नहीं जी, अभी मुझे लगी भूख और मैं खा लेती हूँ मैक्रोनी। अभी जो है मैंने जो है मैक्रोनी खा ली, हम लोगों ने बहुत ही टेस्टी थी। तो अभी जो बर्तन मैंने जो अभी बर्तन जो है मैं बाद में धोऊंगी। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि ससुराल की तरफ से मुझे क्या मिला है और गाँव में उधर तो मुझे वीडियोज़ बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो एंड टाइम पर मुझे उन्होंने दिया है और मैंने भी एंड टाइम पर ही वीडियोज़ बनाई थी, बस ज़्यादा वहाँ पर वीडियोज़ नहीं बना पाई आपको। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी बड़ी फैमिली है और बस आना जाना और माशाल्लाह मेरी नंदे हैं, जैसे आना जाना लगा होता तो अच्छा नहीं लगता कि वीडियोज़ बनाने का ना टाइम मिल पा रहा था। और यह है कि फिर जब अपनों में हो तो बंदा अपनों को टाइम देना ज़्यादा बेहतर है कि वीडियोज़ बनाने से। वीडियोज़ भी अहम थी मेरे लिए पर अपने वीडियोज़ से पहले ज़्यादा जो है मेरी अपने ज़्यादा अहम थे, इसलिए मैंने उनको टाइम देना मुनासिब समझा है। और जो उन्होंने मुझे चीज़ें दी हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ वो क्या चीज़ें, अभी कमरे में चलते हैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो है सिर्फ मेरे बर्तन पड़े हैं, बर्तन जो बाद में धो लूँगी। मैंने कहा पहले आप बहन भाइयों से जो है मैं आपके ये जो है ससुराल से जो गिफ्ट मिला है वो शेयर कर लूँ। और जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो पहला नहीं दूसरा ही होगा कि आप लोग को पता होगा कि मेरे गांव जाने से पहले जो इनको भी भेजे थे गाँव से, और उसके बाद जो हम लोग गए तो अभी ये उन्होंने दिए। वैसे तो देते ही रहते हैं, जब भी जाते हैं हम लोग तो देते ही हैं। और जब लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी गाँव वाली, जिस दिन हम लोग रवानगी कर रहे थे और उस दिन उन्होंने हमारे गिफ्ट तो उसी दिन हम इन लोगों को मिल गया था उनकी तरफ से। तो पर बात ये कि मैं वीडियो वहाँ पे नहीं बना पाई, जैसे आप लोगों को पता है बड़ी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली को टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा अहम होते हैं इंसान ये रिश्ते जो हैं, बहुत नाजुक होते हैं, बहुत अहम भी होते हैं इंसान के लिए। और ऐसे ही थे और माशाल्लाह कि हमारी फैमिली खानदान माशाल्लाह बहुत बड़ा है कि आना जाना लगा रहता था और घर पर तो वीडियोज़ तो बिल्कुल बनाना नामुमकिन था। जो एक दो बनाई बहुत मुश्किल से बनाई है मैंने, झक आ रही थी मुझे बनाने के लिए कि मैं कैसे बनाऊँ, मुझे शर्म से आ रही थी क्योंकि मेरे जेठ भी घर पे होते हैं और ससुर वगैरह सारे होते हैं तो आना जाना था, इसलिए तो मैं नहीं बना रही वहाँ पे वीडियो। तो मैंने कहा जब कराची जाऊँ तो बनाऊँगी। फिर आप लोगों को पता है यहाँ पे आई हूँ तो 14 अगस्त थी और 14 अगस्त की शॉपिंग वगैरह की, और कल भी मेरे व्लॉग जो मैंने नहीं डाला, परसों भी नहीं डाला, कल तो परसों तो नहीं डाला, सुस्ती हो गई थी, और कल को तो परसों को देख के ज़्यादा सुस्ती हो गई, तो वो भी व्लॉग जो है मैंने कल भी नहीं अपलोड हुआ मेरा। तभी आपको मैं दिखाती हूँ। और ये गिफ्ट तो है, ये कपड़े ही हैं, आपको पहले ही बता दूँ मैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ सूट। अब ये बात ये है कि उन्होंने तो मुझे दो दिए, एक मलाइका का और एक आप लोगों का, ना पूरे पूरे सूट हैं। और सबसे पहला सूट जो है ये वाला, ये देखे मेरा ये वाला सूट है, देखिए चुन्नी में, और ये ले, और ये है शर्ट, और ये इसका ट्राउजर, ये ट्राउजर इसका येलो वाले का, इसका ट्राउजर, ये है एक सूट, और दूसरा है ये ब्लैक, ये इस पर पता नहीं क्या लगा हुआ, ये ब्लैक हो गया, और ये इसकी शर्ट, ये देखें ये इसकी शर्ट है। तो ये दो सूट हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है इन दोनों में से एक सूट आप बना लीजिएगा। तो मुझे गांव में तो सब ने मुझे यही बात बोली थी कि ये ब्लैक वाला आपने बना लेना है। तो सलीम भी यही कह रहे थे कि आप ब्लैक वाला रखना। और ये जो है बच्चियों का, जैसे आप लोगों को पता अभी मैं गाँव गई हूँ तो बच्चियों का जो मैंने ये सूट जो है इस कलर में, मतलब ये सेम कलर ये कर ले, तो चुन्नी वाला जो है मलाइका का मैंने बनाया, तो अभी तो मैं ये नहीं बनाऊंगी, तो ये सर्दियों तक जो है बच्चों के लिए बनाऊंगी। तो अभी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि मैं जो हूँ ये वाला सूट बनाऊं कि ये वाला सूट बनाऊं, आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। तो इन ये दो फिलहाल जो मैं रख रही हूँ सूट, और आप लोगों ने बताना आपको कैसे लगे ये सूट, और माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। और हुज़ैफा को जो मिला है ये देखें कॉटन का, और ये मिला, ये भी इनकी दादी ने दिया, वो भी इनकी दादी ने ही दी है, और ये देखें इसके ऊपर जो है इन्होंने कढ़ाई करा के दी है, जो गांव में कढ़ाई होती है ना, और इसके ऊपर ये कढ़ाई सिंधी कढ़ाई, ये देखें सिंधी कढ़ाई, ये देखें सिंधी कढ़ाई इन्होंने करा के दी है इसके ऊपर, और ये कढ़ाई जो की है मेरी जेठानी ने, और उन्होंने ये कढ़ाई की है, तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारी है। और ये सूट भी फिलहाल मैं नहीं सिलाई करूंगी, ये भी रख दूंगी माशाल्लाह। जैसे आप लोगों को पता है पहले ईद की शॉपिंग की थी, फिर गांव जाने की शॉपिंग की थी, और अभी तो इनके माशाल्लाह बहुत ज्यादा सूट हो गए, तो सारे जो नहीं इस्तेमाल करते फिलहाल रख देते हैं, फिर किसी मौके पे काम आ जाएंगे। ये गिफ्ट भी कह सकते हैं और ये उनका प्यार भी है। और बस ये कि आप लोगों को बहुत जल्द मैं खुशखबरी भी सुनाऊंगी, जो बीच में मुझे टेंशन थी अब मेरी टेंशन वो नहीं रही जो पहले थी।
आप लोगों का जो प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार आप लोग चैनल पे दे रहे हैं और इसी तरह देते रहिएगा, और बस ये कि आप हमें सपोर्ट करें सबसे ज़्यादा प्लीज़। तो वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।